शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सब किसने भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में अलग अलग प्रकार की डेकोरेशन दिखाई दे रही थी और उसमें तीन प्रकार के सेक्शन बने हुए थे और वो सेक्शन भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके अंदर और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन डेकोरेशन बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से दिखाई दिए और बाबा ने नजदीक आते कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा ये तीन सेक्शन बने हुए हैं और बहुत सुंदर सजावट है। बाबा मुस्कुराने लगे तो बाबा ने कहा, आज देखो बाप क्या करने जा रहे हैं। तो बाबा ने क्या कि ऐसे ताली बजाए तो तीनों ही सेक्शन में अलग अलग प्रकार से बच्चे बैठ गए। तो उसमें क्या दिखाया, एक सेक्शन के अंदर योगी बैठे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं और दूसरे सेक्शन में वो इतने सुंदर डिज़ाइन बना रहे थे और तीसरे सेक्शन में क्या था कि जो डिज़ाइन बने थे उस डिज़ाइन के ऊपर उसको और डेकोरेट करके सुंदर बना रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखा बच्ची, बाप ने बच्चों को किस प्रकार से पुरुषार्थ की विधि बताई है कि पहले तपस्या करते हुए ऐसे ऐसे वाइब्रेशन फैलाए, उस वाइब्रेशन के द्वारा नई दुनिया का मॉडल जो है वो ऑटोमेटिकली तैयार होता जाए और मॉडल तैयार होने के बाद उस मॉडल का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है वो भी बच्चों को इस समय अनुभव करना है, उसको क्लियर भी करना है, उसको डेकोरेट भी करना है, उसका फाइनल स्वरूप भी बनाना है। तो फिर क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आज जो बाबा ने काम दिया है तो सभी बच्चे अपना अपना ये काम करके दिखाएं। तो उसमें क्या था कि कुछ तो योग में बैठे और कुछ अनेक प्रकार के डिज़ाइन बना करके बाबा को दिखा रहे थे और कुछ उस डिज़ाइन को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा ने कहा, देखो बाप ने बच्चों को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी हुई है, बच्चे उस जिम्मेवारी को निभा भी रहे हैं, लेकिन निभाते निभाते उसके फाइनल स्वरूप के अंदर बच्चे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को हिम्मत भी दी है और इस मॉडल को तैयार करने के लिए बच्चों को सब गुण और शक्तियाँ भी दी हैं, लेकिन अभी बच्चे जो हैं उसका फाइनल स्वरूप तैयार करने में अभी लास्ट तक पहुँचे नहीं हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी जो है तपस्या का स्वरूप ऐसा बने कि उसके अंदर
एक तो फाइनल स्वरूप का स्पष्टीकरण रहे कि मेरा फाइनल स्वरूप क्या है, फिर उसके साथ साथ भविष्य दुनिया का हमारा फाइनल स्वरूप क्या होगा और भविष्य दुनिया को हम किस प्रकार से उसका अनुभव यहाँ कर सकते हैं। तो ये बाबा जैसे बता रहे थे तो बाबा ने कहा समय के अनुसार बच्चे जैसे जैसे उस दुनिया के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं उसका स्पष्ट रूप अभी ही बच्चों को अनुभव तो क्या उस स्वरूप को वैसा बनाना है। तो फिर जैसे बाबा ने क्या दिखाया, एक बहुत बड़ा मॉडल था, विश्व को मॉडल दिखाई दे रहा था और विश्व का जो मॉडल था उसके अंदर हर चीज़ के अंदर परफेक्शन दिखाई दे रही थी, चाहे मकानों के अंदर, चाहे नेचर के अंदर, चाहे राजमहल के अंदर, वो इतनी सुंदर परफेक्शन थी। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे सब इसको देखो। तो जैसे जैसे वो देखते जाते थे तो बच्चों के सामने उस परफेक्शन के वाइब्रेशन उनके सामने पहुंचते थे और वो स्वरूप जो है वैसा उनके सामने आता था। तो बाबा ने कहा अभी तपस्या द्वारा कि जो परफेक्शन का स्वरूप है उसका अनुभव करें। अभी तक बच्चे तपस्या द्वारा अपनी कमजोरियों को तो दूर कर ही रहे हैं, लेकिन अभी संपन्न स्वरूप जैसे जैसे वो स्वरूप सामने आता जाएगा उसके नज़दीक पहुंचते जाएंगे तो ये परिवर्तन का कार्य जो है सहज होता जाएगा। नहीं तो अभी तक भी बच्चे कई बातों के उलझनों में रहते हैं कि हम तपस्या कैसे करें और हमारा तपस्या का रूप कैसा हो। तो बाबा ने कहा अभी आत्मा को प्योरीफाई तो कर रहे हैं लेकिन वो सब संपन्न स्वरूप की अनुभूति हो। फिर तो बाबा ने जैसे ग्लोब के सामने बहुत सुंदर सुंदर ऐसे लाइट चमकते हुए सितारे दिखाए और जैसे जैसे वो सितारे चमकते थे तो ग्लोब के अंदर भी जो नई दुनिया का मॉडल था उस मॉडल के अंदर भी ऐसे जैसे हीरे मोती चमकते जाते ना ऐसे उसके ऊपर हीरे मोती चमकते जाते थे। तो बाबा ने कहा देखो जैसे जैसे आत्मा जो है अपने क्लियर और ओरिजिनल स्वरूप के अंदर आती जाएगी और उसी स्वरूप के द्वारा ही उसको हर तरह की अनुभूति भी होगी और नई दुनिया के मॉडल को भी वैसा ही स्वरूप लाने के लिए बच्चे वो कार्य भी करते रहेंगे। फिर तो बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है अपने संपन्न स्वरूप को बच्चों को सामने ला करके वैसे स्वरूप के लिए अभ्यास करना है और वैसा ही बनना है। फिर तो बाबा ने सबको बहुत याद दी और मैं यहाँ वापस आ गई। ऑप्शन बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। आज जैसे ही जाने के साथ बाबा को सभी की याद दी और बाबा के सन्मुख भोग रखा, भोग रखने के साथ ही ऐसे लग रहा था कि कई बच्चों की बहुत ही सूक्ष्म याद बाबा के पास पहुंच रही है। बाबा ने दृश्य दिखाया बाबा के घर सेंटर्स पर बाबा जैसे के लिए चले। बाबा ने दिखाया कि
कई सेंटर्स पर तो फिर भी नियम प्रमाण याद भी कर रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे ही सूखे बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई स्थान पर एक बहन दो बहन भी है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए कई बच्चों के, ब्राह्मण बच्चों के संकल्प चल रहे हैं कि वही बाबा की मुरली है, वही योग है। कुछ और भी ब्राह्मण जीवन में कुछ नया होना चाहिए, जिससे और ही उमंग उत्साह बढ़े। तो बाबा ने फिर दिखाया कि देखो बच्ची, दुनिया में भी ऐसे समय पर बच्चे एक जैसा भोजन करते करते, एक जैसे एक साथ घरों में बैठे बैठे भी थक गए हैं। उन्हें भी ऐसे लगता कुछ चेंज हो, कुछ नया हो। इस प्रकार के दुनिया के भी वाइब्रेशन हैं और ब्राह्मण बच्चों के भी वाइब्रेशन इसी प्रकार बाबा के पास पहुंच रहे हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि जिस प्रकार बाबा ने अपने बच्चों को 14 साल भट्टी में रखा और एक जैसी बच्चों की पालना नहीं दी, भिन्न भिन्न रूपों से बच्चों की पालना की बाबा ने, मम्मा ने। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार जो मधुबन में बाबा के घर में होता है, जो एक्टिविटी होती है, उसको देख के सभी फॉलो करते हैं। तो बाबा ने एक सूक्ष्म इशारा दिया। बाबा ने कहा कि ज्ञान योग तो अपने समय के अनुसार हर बच्चे कर ही रहे हैं, भले फोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। बाबा ने कहा कि पढ़ भी बहुत रहे हैं, सुन भी बहुत रहे हैं, समा भी बहुत रहे हैं। पर बाबा ने कहा कई ब्राह्मण बच्चों के मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं, हलचल होती है। तो बाबा ने कहा उसके लिए भी बच्चे कुछ नया कुछ सोचे, कुछ उनके लिए कुछ बदलाव लाने के लिए ऐसा कुछ प्लान बनाए जो ब्राह्मण बच्चों के मन में कई प्रकार की उलझन, कई प्रकार की मन की बातें ऊपर नीचे होती हैं, उसके लिए कुछ समाधान का बाबा ने कहा कुछ आप बच्चों को निकालना चाहिए, जिससे सभी ब्राह्मण बच्चे रिफ्रेश होते रहें। तो बाबा ने ऐसे सूक्ष्म इशारा दिया और बाबा के आगे तो कई आत्माओं की आज विशेष याद थी। वह भी जैसे कि बहुत ही सूक्ष्म रीति से बाबा उन आत्माओं को वतन में इमर्ज करते हैं और प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं। फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे हो चुके। ओम शांति।